फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 17, इंडियन पॉलिटी, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट टू। तो पार्ट वन हम लोग पहले कर चुके हैं क्लास नंबर 16 में, और आज हम लोग पार्ट नंबर टू देखने जा रहे हैं। समझ गए ना, तो प्रीएम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है सब चीज़ बता चुके हैं बच्चे लोग, करेक्ट। हाँ, डेमोक्रेटिक वर्ड तक हम लोगों ने पूरी डिटेल्स फॉर्म में पार्ट वन में कर लिया था। यहाँ से हम लोग रिपब्लिक वर्ड देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स सब है यहाँ पे। समझो, तुमको पिक्चर में दिख रहे होंगे जो भारत के जो प्रेसिडेंट हैं अभी द्रौपदी मुर्मू, और जो वहाँ का जो मोनार्क है, करेक्ट, उससे पहले क्वीन थी वहाँ पे। और हमारे भारत में जो इससे पहले प्रीवियस जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, रामनाथ कोविंद थे। तो अंदर क्या है दोनों के बीच में, एक मोनार्क है और एक क्या है, रिपब्लिक है। समझ गए ना, तो देखो रिपब्लिक क्या है। देखो, डेमोक्रेटिक पॉलिटी भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो मोनार्की भी हो सकते हैं, रिपब्लिक भी हो सकते हैं। मोनार्की मतलब क्या है कि हेडेटरी हो गया ना, जैसे रानी है तो रानी का ही बेटा फिर राजा बनेगा, यानी पहले प्रिंस बनेगा फिर वो राजा बनेगा, ऐसा कुछ। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी भी क्लासिफाइड हो सकता है दो तरीके से, मोनार्की और रिपब्लिक में। मोनार्की में क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो हेडेटरी पोजिशन को इन्जॉय करते हैं, यानी कि उसे पहले जो भी बने उसके फैमिली के उसका ही बच्चा बनेगा, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, प्रजा से कोई भी राजा नहीं बन सकता, डेट इज़ अ मोनार्की। हाँ, वो डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, पार्लियामेंट वाला व्यवस्था भी हो सकता है। मगर रिपब्लिक दूसरे तरफ क्या है कि रिपब्लिक में क्या होगा कि जो हेड ऑफ द स्टेट बनेगा वो मोनार्की तरीके से नहीं बन सकता, वो हेडेटरी पोजिशन को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्शन से चुना जाएगा कुछ साल के लिए, कुछ फिक्स टर्म के लिए, जैसे US में होता है, जैसे इंडिया में होता है। US में भी देखते हो ना, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो, वो चुन के बनते हैं, चाहे डायरेक्ट इलेक्शन हो चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो। हमारे इंडिया में भी तो यही है, द्रौपदी मुर्मू का जो चुनाव होता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो किस तरह हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन, जहाँ पे विधानसभा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का भी इसी तरह चुनाव होता है। जो टर्म प्रीएम्बल है हमारे जो शब्द रिपब्लिक है हमारे प्रीएम्बल में, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो बताता है कि इंडिया क्या है, इलेक्टेड हेड, यानी कि भारत में चुन के जाएगा, भले वो इनडायरेक्ट तरीके से चुन के जाए, और उसका टर्म कितना होगा, 5 साल के लिए होगा। तो चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो, यहाँ पे लोग चुन के ही जा सकते हैं, आर्बिट्री नहीं कि उसके पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे तो उसका बेटा भी प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा नहीं है भारत, ठीक है। तो बहुत अच्छा है सिस्टम है ये। अब एक चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक ऐसी कैटेगरी से पहली बार कोई प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है इस देश में। तो फख्र होना चाहिए ऐसे देश में कि इस पद पे भी आप जा सकते हो, और ये इसलिए है क्योंकि भारत क्या है, रिपब्लिक है। भारत आज़ाद तो 1947 को हो गया, मगर भारत जो रिपब्लिक बना है वो 26 जनवरी 1950 को बना है। गणतंत्र दिवस मनाते हो ना, डेट इज़ अ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इसलिए ताकि जो भी मुखिया जो चुन के जाएंगे ऊपर में, वो पीपल से ही जाएंगे, आर्बिट्री चुन के नहीं जाएंगे, समझ गए। और वो तभी होता है जब संविधान लागू हुआ। संविधान कब लागू हुआ हमारा, पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950। इसलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये खत्म हो गया। अब जस्टिस करते हैं, रिपब्लिक वी हैव कम्प्लीटेड, नाउ विल सी जस्टिस। जस्टिस क्या है, न्याय। जस्टिस प्रॉमिस करता है पीपल को कि जो आपको चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, जो आपको मिनिमम बेसिक जो चीज़ चाहिए, फूड क्लोथिंग हाउसिंग रोटी कपड़ा मकान, और आपका भी आपका भी भागीदारी होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, और एट द सेम टाइम यू आर द वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस कंट्री, यू सिटीजन है, सिटीजन से ही पावर डिराइव हुआ है संविधान, तो आपको भी डिग्निटी मेंटेन करने का अधिकार मिलता है। क्योंकि देखो फ्रेटर्निटी तभी होगा जब लोगों का डिग्निटी मेंटेन होगा, लोगों का डिग्निटी नहीं है तो फिर फ्रेटर्निटी कैसे होगा। डेमोक्रेसी तभी होगा जब लोगों का डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा। तो जस्टिस क्या करता है, रोटी कपड़ा मकान को तो का इशू तो रखता ही है, साथ में लोगों का पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग पावर में, प्लस लोग डिग्निफाइड लाइफ जी सके। प्रीएम्बल देखो, प्रीएम्बल तीनों टाइप का जस्टिस को कवर करता है, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस हो, चाहे वो पॉलिटिकल जस्टिस हो। आ रहा है बच्चे लोग समझ में। तो ये जस्टिस तभी हो सकता है ना जब कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर रेस रिलीजन, ठीक है। तो इसलिए लिखा गया कि सोशल जस्टिस तभी अचीव किया जा सकता है, यानी कि सोशल जस्टिस का मतलब ये होगा कि
कि सभी नागरिक को बराबर ट्रीट किया जाए और कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन एंड सो ऑन, जो कि तुम्हारा आर्टिकल आर्टिकल 15 में लिखा गया ना जी। हाँ, इकोनॉमिक जस्टिस देखो, तो पहले हम लोग सोशल जस्टिस देखे ना कि इनइक्वालिटी प्रेजेंट ना हो ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग सम पैरामीटर्स। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेके कोई गरीब है कोई अमीर है, यानी क्लास क्लास क्लास, किसी के पास संसाधन ज़्यादा है किसी के पास संसाधन कम है, कोई बहुत बड़ा जॉब में है कोई छोटा जॉब में है, समझ गए, उस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस इस चीज़ का मुहैया करवाता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक पैरामीटर। जब सोशल जस्टिस को इकोनॉमिक जस्टिस के साथ जोड़ते हो, दोनों कंबाइन करते हो, तो इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस गिव्स अस पॉलिटिकल जस्टिस या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सोशल जस्टिस और तुम्हारा इकोनॉमिक जस्टिस दोनों कंबाइन हो जाए, समझ गए बच्चे लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग कि पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है जितने भी नागरिक हैं सबको अधिकार है, पॉलिटिकल सबको अधिकार है। पॉलिटिकल राइट्स का मतलब क्या होता है? सबको वोट देने का अधिकार है, सबको पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। कोई भी, जैसे तुम किसी भी कास्ट से आते हो तुम UPSC का एग्ज़ाम दे सकते हो, तुम किसी भी कास्ट से आ सकते हो तुम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, तुम किसी भी कास्ट से आ सकते हो तुम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, कहीं किसी को कोई डिवाइड नहीं। तुम किसी भी संप्रदाय से आओ किसी भी जात से आओ उसे कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिकल स्फीयर में इक्वल पार्टिसिपेशन हो सकता है। यही कारण तो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही कारण तो कि मोदी जी किस कास्ट से हैं, कहाँ से हैं, गरीब घर से हैं, कोई मतलब नहीं है, उनको पूरा अधिकार है ऊपर जाने का और वो गए भी हैं। तो पॉलिटिकल जस्टिस इंप्लाइड दैट ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एसेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। एंड जो ये आइडिया है जस्टिस का, ये जो आइडिया है जस्टिस का, ये कहाँ से आया है? रशियन रेवोल्यूशन से आया है, समझे, रशियन रेवोल्यूशन। जानते हो कि 1917, 1918, 1919 कितना खतरनाक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, जो वहाँ का जो जार रिजिम था उसको पूरी तरीके से ओवरथ्रो कर दिया गया था। बोल्शेविक जो रेवोल्यूशन हुआ था बहुत खतरनाक वाला, लेनिन जो अगुवाई कर रहे थे, लेनिन ने फिर उसके बाद फिर लेनिन अपना कम्युनिज्म वाला प्रिंसिपल्स लगाए ना जी। अब बात करते हैं लिबर्टी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इससे पहले भी हम लोग साइलेंट फीचर्स में हम लोग देख चुके हैं लिबर्टी का मतलब। अब यहाँ समझो लिबर्टी का बेसिक डेफिनेशन क्या होगा। लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, इनके जो इंडिविजुअल जो अपना काम कर रहा है, इंडिविजुअल जो अपना एक्टिविटीज कर रहा है उसके ऊपर कोई रुकावट ना हो, डैट इज कॉल्ड लिबर्टी। यानी कि जो तुम कोई भी कार्य कर रहे हो तो तुमको रोकने वाला कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, कोई तुम्हारे कार्य को रोक नहीं सकता, डैट इज कॉल्ड लिबर्टी। तो लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या, कोई भी चीज़ नहीं हो, तुमको रोकने के लिए कोई चीज़ ना हो, समझे ना, तुमको रोकने के लिए ऐसा कोई चीज़ ना हो ताकि तुम अपना जो इंडिविजुअल जो एक्टिविटीज है वो तुम परफॉर्म कर सको। हाँ, मैं जो लिबर्टी है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं कि तुमको फ्री हैंड लाइसेंस मिल गया कुछ भी करने का, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चे लोग रात को ना गाना वाना बजाना शुरू कर दे और पड़ोसी को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे। तुम्हारा लिबर्टी तो इम्पोर्टेंट है ही, मगर कॉमन गुड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो बैलेंस करते हुए। तो लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्वालिफाइड है, यानी कि उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। देखो यहाँ पे लिबर्टी जो शब्द प्रीएम्बल में जो पिरोया गया है, लिखा गया है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस लिए? डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए, भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम को फंक्शन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लिबर्टी जब नहीं होगा, नागरिक को अधिकार ही नहीं होगा अपना एक्टिविटी करने का, तो फिर कैसे वो आगे बढ़ सकता है? जब वो आगे नहीं बढ़ सकता अपने हिसाब से, फिर डेमोक्रेसी कैसे होगा? फिर तो डेमोक्रेसी का मतलब जो मन है वो कर सकते हो विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हाउएवर देखो वही लिखा के, तो लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि फ्री लाइसेंस मिल गया आपको, जो मन है वो करो। लिबर्टी मिलता है प्रीएम्बल में भी है, फंडामेंटल राइट्स में मिलता है ना जी, बट जो भी मिलता है आपको, इन ब्रीफ द लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है। तुमको लिबर्टी है काम करने का, तुमको लिबर्टी है राइट टू स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सब कुछ है। दैट डजंट मीन कि ऐसा कुछ काम कर दो जिसके वजह से दूसरे का नुकसान हो
या देश का नुकसान, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। जैसे देखो आर्टिकल 17, देखो आर्टिकल 17 जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट है, उसमें कोई रीजन, यानी कि छुआछूत जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और उसके लिए कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि वो एब्सोल्युटली बैन है वो चीज़। मैं बाकी जो फंडामेंटल राइट्स देखोगे तो बाकी जो अधिकतर जो फंडामेंटल राइट्स है उसको क्या है, वो सब क्वालिफाइड है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो ये जो आइडिया है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिए हम लोग? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। एट द सेम टाइम यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वहाँ पर भी इस चीज़ का मेंशन है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का। समझ गए बच्चे लोग? हाँ, यहाँ पर देखोगे। अब बात करते हैं इक्वलिटी, लिबर्टी समझ में आ गया। हाँ, जब इंग्लिश डेफिनेशन देखोगे, मैं बार बार क्लास बोल चुका हूँ ये चीज़, जब तुम इंग्लिश डेफिनेशन देखोगे तो लगेगा कि लिबर्टी और इक्वलिटी तो दोनों एक ही चीज़ है। मगर जब पॉलिटिकल एंगल से देखोगे, हाँ पॉलिटी के एंगल से देखोगे, तो तुमको पता चलेगा कि लिबर्टी और इक्वलिटी में अंतर है। तो इक्वलिटी किस सेंस में? प्रीएम्बल में जो इक्वलिटी दिया गया वो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के सेंस में दिया गया है, है ना? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग क्या लिखा गया है, इक्वलिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। एक किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलने जा रहा है, वही एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। किसी को एक टाइटल नहीं मिलेगा, बहादुर बला, तेग बहादुर बला, ये जो टाइटल सब है ना, ये टाइटल नहीं मिलेगा। जब टाइटल नहीं मिलेगा तो इसका मतलब इसको स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा। हाँ, टाइटल का बात किया गया है, कर्नल उपाधि है, कर्नल हो सकता है, समझे ना? तो जो आने वाले समय में फंडामेंटल राइट्स में बताएंगे इस चीज़ को लेकर, ही बहुत ज़्यादा कंट्रास्टिंग पिक्चर तुमको नजर आएगा। द टर्म इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड द प्रोविजन ऑफ एडवोकेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इंडिविजुअल। यानी कि प्रोविजन होना चाहिए सभी इंडिविजुअल के पास कि वो आगे बढ़ सके, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। प्रीएम्बल सिक्योर करता है कि सभी को इक्वल स्टेटस मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जितने भी इनइक्वलिटी है समाज में, है ना, वो एलिमिनेट हो और सभी लोग को इक्वली और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिले, यानी कि कानून के सामने में सब बराबर हो, कोई भी ऊपर नीचे ना हो और कोई टाइटल्स ना हो। अच्छा, टाइटल्स को रिमूव करने का बात कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है बताओ? आर्टिकल 18 में लिखा गया है। आर्टिकल 16 में राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लिखा गया है, तो वो भी तो तुम्हारा इक्वलिटी से ही संबंधित है। चाहे आर्टिकल 16 हो, आर्टिकल 17 हो, आर्टिकल 18 हो, ऑल कम अंडर योर इक्वलिटी प्रोविजंस, समझे? जो कि आने वाले समय फंडामेंटल राइट्स में पढ़ोगे बच्चे लोग। तो बात समझ में आया कि इक्वलिटी का मतलब कैसे इक्वलिटी लिबर्टी से अलग है। इक्वलिटी का मतलब होता है कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेज किसी को ना मिले और कानून के सामने में, लॉ के सामने में सब बराबर हो, इक्वल स्टेटस मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। फ्रेटर्निटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सब हम लोग एक ही परिवार के हिस्सा है, इस तरह का सेंस। जैसे हमारा शुरुआत से ये सेंस रहा है, वासुदेव कुटुंबकम शुरू से रहा है ना। G20 में जो G20 हुआ था तो उसमें भी ये टैगलाइन था ना, जी वासुदेव कुटुंबकम। तो हमारा जो संविधान है वो फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है, किस तरह? सिंगल सिटीजनशिप से भी। देखो, तुम चाहे बिहार में रहो, चाहे तुम तमिलनाडु में रहो, चाहे तुम सिक्किम में रहो, चाहे तुम अरुणाचल में रहो, चाहे तुम गुजरात में, कहीं पे भी रहो तुम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम इंडियन हो। तो एक ही नागरिकता मिलता है भारत में, सही बात है ना? तो जब तुम भी इंडियन हो, जो गुजरात में रह रहे हैं वो भी इंडियन है, तो क्या है, सब भाई लोग हैं हम लोग। जब कहीं पर भी कोई भी अटैक होता है, कहीं पर भी कोई अटैक होता है तो दर्द होता है यहाँ पर भी। कहने का मतलब, यदि जम्मू एंड कश्मीर कुछ बुरा होगा तो इसका असर यूपी में भी पड़ेगा, इसका असर तमिलनाडु में भी पड़ेगा। यही तो साइंस ऑफ ब्रदरहुड है। हमारे जब सैनिक जब शहीद होते हैं तो पूरा देश को ही, देश का ही मूड खराब होता है ना। समझ गया ना? देखो, ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटी सेज दैट इट सेल्फ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया टू प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी, देखो फंडामेंटल ड्यूटी भी है, जानते हो फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट, देखो डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा, देखो जरा। पार्ट 4A जो फंडामेंटल ड्यूटी है यहाँ पे ये स्पष्ट। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में दिया गया? पार्ट 4A में दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी। उसमें ये बात रखा गया है कि ये हर एक नागरिक का जिम्मेदारी है कि वो कॉमन ब्रदरहुड को अचीव करे, सेंस ऑफ ब्रदरहुड को अचीव करे। ये पूरे तरीके से दिया गया है यहाँ पे, समझ गए ना? प्रीएम्बल डिक्लेयर्स करता है
कि फ्रेटर्निटी के अंदर दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेटर्निटी ऐसे अचीव नहीं होगा, फ्रेटर्निटी तभी अचीव होगा जब इंडिविजुअल का डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा। बताओ, इंडिविजुअल का डिग्निटी ही नहीं है, हाँ, जो नागरिक का सम्मान ही नहीं है, तो फिर फ्रेटर्निटी कैसे हो सकता है। तो प्रीएम्बल डिक्लेयर्स दैट द फ्रेटर्निटी हैज़ टू अश्योर टू थिंग्स। फ्रेटर्निटी दो चीज़ को अचीव करे, पहला क्या चीज़ को अचीव करे, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल नागरिक है उसका भी सम्मान रहे। एट द सेम टाइम, सम्मान का मतलब ये नहीं कि देश का सम्मान ना हो, देश का अखंडता और संपूर्णता भी मेंटेन रहे, उसका भी सम्मान हो, दोनों ही चीज़, यानी कि फ्रेटर्निटी दोनों चीज़ को अश्योर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और केवल केवल पॉलिटिकल वे में ना हो केवल ये चीज़। यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेर वेरी मच कंसर्न अबाउट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। यानी कि जस्ट देश आज़ाद हुआ है उस समय, तो उस समय इंटीग्रिटी और यूनिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए। इसलिए इसलिए फ्रेटर्निटी ये इंश्योर करे कि इंडिविजुअल का डिग्निटी तो मेंटेन हो ही, साथ साथ देश का जो इंटीग्रिटी है, देश का जो यूनिटी है, वो भी मेंटेन हो। समझ गए ना, वो भी मेंटेन हो। तो फ्रेटर्निटी देखोगे, देयर वाज अ नीड फॉर हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस, यानी कि जितने भी अलग अलग धर्म वाले लोग रह रहे हैं, जितने भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जितने भी अलग अलग कल्चर वाले लोग हैं, सब एक साथ रह सके। और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट टाइम में यही बोला है ये चीज़, जब सेक्शन 6A वर्सेस आर्टिकल 29(1) का सवाल उठा, तो 4-1 जजमेंट से क्या फैसला आया कि फ्रेटर्निटी जो वैल्यू प्रीएम्बल में दिया गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एडिटोरियल भी हम अटैच कर देंगे इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो बच्चे लोग यूट्यूब पे देख रहे हो जरूर देख लेना, इससे फ्रेटर्निटी के बारे में और ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, 6th पॉइंट देख सकते हो बच्चे लोग तुम लोग, कि इंक्लूजन ऑफ फ्रेजेस लाइक डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, फ्रेटर्निटी अमंग द पीपल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज द प्रीएम्बल हायर सच ए नीड। देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल का डिग्निटी भी मेंटेन होना चाहिए, लोगों के बीच में ब्रदरहुड भी होना चाहिए, फ्रेटर्निटी भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी मेंटेन होना चाहिए। ये हमारे प्रीएम्बल में स्वयं लिखा गया है, हाईलाइट किया गया है, तो इसलिए हम समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेटर्निटी। समझ गए ना, द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अच्छा, इंटीग्रिटी वाला जो वर्ड है वो तो जानते हो, 42nd अमेंडमेंट करके डाला गया है। 42nd अमेंडमेंट करके तीन वर्ड डाला गया है ना जी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो यहाँ समझो कि ये जो फ्रेज है यूनिटी और इंटीग्रिटी, हमारे जो नेशंस के लिए यूज़ किया गया है, जो प्रीएम्बल में यूज़ हुआ है, इसका मतलब केवल वो टेरिटोरियल नेशनल इंटीग्रेशन का बात नहीं कर रहा, वो साइकोलॉजिकल भी डायमेंशन का बात कर रहा है। तो मस्तिष्क से भी और पॉलिटिकली भी, यानी कि जब हम भारत कहें, तो भारत जब कहें तो तुम्हारे मस्तिष्क से भी भारत दिखना चाहिए, यानी कि साइकोलॉजिकली भी, यानी कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं सब तुम्हारे हैं, सब हम लोग फैमिली मेम्बर्स हैं। एट द सेम टाइम जब भारत का जब बात कर रहे हैं, तो भारत का तुमको बाउंड्री भी दिखना चाहिए। जब भारत हम बोलते हैं तो एक इमेजिनेशन होता है ना, डैट इज़ अ टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। जब हम भारतीय बोलते या भारत बोलते तो तुमको लोग भी दिखेंगे ना, सब भारतीय लोग सब, दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल डायमेंशन। तो इसलिए जो यूनिटी और इंटीग्रिटी का जो बात है, केवल ये बात टेरिटोरियल डायमेंशन तक नहीं है, ये बात साइकोलॉजिकल डायमेंशन भी है, इसमें साइकोलॉजिकल डायमेंशन को भी लेके चल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इस तरह का चीज़ सुप्रीम कोर्ट को बहुत हेल्प करता है संविधान को ठीक से इंटरप्रेट करने में। तो बच्चे लोग यहाँ पे देखोगे, जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एक साथ लिख देते हैं ना, यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है, तो इसको अलग ट्रीट ना किया जाए, यानी कि लिबर्टी अलग है, इक्वलिटी अलग है, फ्रेटर्निटी अलग है, इसको अलग अलग रूप में नहीं देखा जाए, ये सब ट्रिनिटी है, यानी कि त्रिदेव है, जैसे होता है ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को एक साथ बोलते हैं ना, इस तरह इक्वलिटी, इसी तरह लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, उसको सेपरेट इंटिटीज की तरह ना देखा जाए, एक ही साथ तीनों को देखा जाए, क्योंकि एक का वैल्यू दूसरे वैल्यू से अटैच है, फिर दूसरे का वैल्यू तीसरे वैल्यू से अटैच है, और इस तरह फर्स्ट का वैल्यू तीसरे से भी अटैच है, सब एक दूसरे से अटैच वर्ड्स है। ये यूनियन फॉर्म करता है, वो ट्रिनिटी फॉर्म करता है। एक दूसरे से अलग कर दोगे, यानी कि इक्वलिटी को लिबर्टी से अलग कर दोगे, हाँ, फ्रेटर्निटी से तुम इक्वलिटी को अलग कर दोगे, तो इससे क्या होगा कि जो डेमोक्रेसी, जिस तरह का डेमोक्रेसी का रचना करना चाहते हैं भारत में, जो पर्पस है हमारा, वो पर्पस ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए तो तीन वर्ड है, एक साथ आने वाला वर्ड है और एक दूसरे से संबंधित है। आर यू गेटिंग मी? तीनों को साथ में लेके चलना होगा, तभी जिस तरह का कंट्री अचीव करना चाहते हैं, जिस तरह का डेमोक्रेसी अचीव करना चाहते हैं, उस तरह का डेमोक्रेसी हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो जो यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का बात है, वो केवल केवल तुम्हारा
पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का ही बात नहीं है, वो साइकोलॉजिकल डायमेंशन भी है। और इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, जो लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, वो ट्रिनिटी है, तीनों को साथ में लेकर चलना है। यदि तीनों को साथ में लेकर नहीं चलेंगे, सेपरेट एंटिटी के रूप में देखेंगे, तो जो भाई पर्पस है डेमोक्रेसी का, वो पर्पस खत्म हो जाएगा। बात समझ गए ना, खत्म हो गया जी, समझ गए। तो चार जो एलिमेंट था, एसेंशियल एलिमेंट जो स्टार्ट किए थे हम लोग, कहाँ से, फर्स्ट पार्ट वन से, लेक्चर नंबर 16 से, वो खत्म हो गया। अब यहाँ समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। ये विषय दूसरा है कि कितना इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तुम खुद समझो, इमेजिन करो कि एक ब्यूटीफुल रिटन बुक पढ़ रहे हो, अब बिना इंस्ट्रक्शन का, बिना कोई इंडेक्स का, तो क्या समझ में आएगा तुमको? किताब भले ही बहुत सुंदर हो, मगर फर्स्ट पेज ही गायब है, यानी कि फर्स्ट वो पेज ही गायब है जिसमें पूरी तरीके से होना चाहिए सब चीज़ आगे समझने के लिए, वही गायब है। तो कैसे वो ब्यूटीफुल बुक भी तुमको ब्यूटीफुल बुक नज़र नहीं आएगा? तो वही बोला है कि इमेजिन रीडिंग अ ब्यूटीफुल रिटन बुक्स विदाउट एन इंट्रोडक्शन और से विदाउट एन इंडेक्स। ऑब्वियसली इससे मैस हो जाएगा, एम्बिग्यूटी हो जाएगा रीडर्स के बुक में कि हु वुड बी पिक अ बुक फॉर द फर्स्ट, यानी कि जो पहली बार जो किताब पढ़ेगा उसको समझ ही नहीं आएगा कि भाई है क्या। इसलिए प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो संविधान का जो प्रीएम्बल है हमारा, वो भी फंडामेंटल वैल्यूज फिलॉसफी जो संविधान में दिया गया उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। इट डिस्क्राइब्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, किस तरह का भारत बनना चाहिए इस, और उस समय हमारे फ्रेमर्स क्या सोचते थे, वो सभी चीज़ तुमको प्रीएम्बल में दिखता है। और आप जानते हो कि इसलिए प्रीएम्बल भले ही जस्टिसिएबल ना हो, प्रीएम्बल भले ही इन्फोर्सेबल ना हो, उसके बावजूद भी प्रीएम्बल कितना इंपॉर्टेंट है संविधान को समझने के लिए और कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के लिए जुडिशियरी के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि प्रीएम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट अंश है कॉन्स्टिट्यूशन का। हालांकि इस पर डिबेट होगा। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, इट कंटेन्स द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो विजन उठ रहा था, जो डिबेट डिस्कशन जो बातचीत चल रही थी, सभी चीज़ उसमें दिखेगा। जो हमारे ड्रीम्स, हमारे फाउंडिंग फादर्स का जो ड्रीम्स था, हमारे जो संविधान निर्माता लोग के जो ड्रीम्स था, किस तरह का संविधान बना चाहिए, वो सभी चीज़ तुमको प्रीएम्बल में नजर आएगा। यदि हम बात करें सर अलीदी कृष्ण स्वामी का, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर थे, उन्होंने कहा था कि जो प्रीएम्बल है ना, प्रीएम्बल में वही चीज़ लिखा गया है जो हम बहुत लंबा समय से ड्रीम कर रहे थे, सोच रहे थे कि देश ऐसा बनना चाहिए। कितना बड़ा बात है ये स्टेटमेंट, देश किस तरह का देश बनना चाहिए, जो लंबा समय से हम लोग 100 साल से 200 साल से सोच रहे हैं, वो सब चीज़ प्रीएम्बल में लिखा गया। प्रीएम्बल में वो विजन दिखता है। के एम मुंशी भी कहते रहे ये चीज़, जो पहले ही बता चुके हैं पार्ट वन में, कि के एम मुंशी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर थे, उन्होंने भी कहा इस बात को कि प्रीएम्बल क्या है, हॉरोस्कोप है किसका, संविधान का, किसका, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया का। समझ गए ना। पंडित ठाकुरदास भार्गवा जो कि इंपॉर्टेंट मेंबर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने भी कहा कि प्रीएम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीशियस पार्ट है संविधान का और ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। समझे, ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। हाँ, एन के पालकी वाला ने भी बोला था, हाँ बाय मिस्टेक मैंने पार्ट वन में बोल दिया था कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बीच के लेक्चर में, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलने वाला वो कौन है, पंडित ठाकुरदास भार्गवा है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलने वाला जो है वो एन के पालकी वाला है, यानी कि एन के पालकी वाला ने कहा था कि प्रीएम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है। समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो, ये जोएल सेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ प्रॉपर यार्ड स्टिक विच वन कैन मेजर द, यानी कि प्रॉपर यार्ड स्टिक है, एक डिवाइस है जहाँ से आप देख सकते हो कि संविधान में क्या क्या वर्थ है, यानी कि संविधान में क्या क्या वैल्यूज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ देखो, प्रीएम्बल देखो ना ही इन्फोर्सेबल है कोर्ट में, है ना, अनइन्फोर्सेबल, नॉन इन्फोर्सेबल है वो कोर्ट में, और फिर भी संविधान को इंटरप्रेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब जब कोई प्रोविजन संविधान के अंदर उसमें एम्बिग्यूटी आ जाए, उसमें वेगनेस आ जाए, उसमें अनक्लियरनेस आ जाए, तो उस समय प्रीएम्बल ही हेल्प करता है इंटरप्रेट करने में, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी सिस्टम को। तो यहाँ सवाल उठता है ये कि क्या प्रीएम्बल भारत का संविधान का हिस्सा है? तो इसमें बहुत सारे केसेस होंगे, बच्चे लोग पढ़ेंगे, गोलकनाथ केस होगा, बेरोबड़ी केस होगा, फिर केशवानंद भारती केस होंगे, फिर LIC केस होगा, बहुत सारा केसेस होगा यहाँ पे। देखो, सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी इसी बात को लेके था शुरू से, क्या प्रीएम्बल संविधान का अटूट अंग है या नहीं है। हाँ सुनील, बंद करो जल्दी से, बंद करो पीछे जल्दी से, बात समझे। हाँ तो यहाँ देख सकते हो बच्चे लोग, यहाँ पे समझना है तुम लोग को, वन ऑफ द कंट्रोवर्सीज, यू गो एंड बंद करो, वन ऑफ द कंट्रोवर्सीज अबाउट द प्रीएम्बल इज एज टू वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट।
क्या प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है या नहीं है इन बेरुबरी यूनियन केस, बेरुबरी यूनियन केस होगा जिसके बारे में अभी डिटेल्स में तुम लोग को बताने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान को इंटरप्रेट करने के लिए, और कहीं ना कहीं प्रियम्बल से ही पता चलता है कि संविधान जो निर्माता थे उनका क्या सोचना था, उनका माइंड क्या था। तो उसमें तो इंटरप्रेट वो जानने में तो प्रियम्बल बहुत हेल्प करता है, इनफैक्ट प्रियम्बल इंटरप्रेट करने में भी हेल्प करता है। जहाँ जहाँ शब्द एम्बिग्योस हो, जहाँ एक शब्द का दो मीनिंग निकल सके, ऐसा होता है ना कि संविधान के प्रोविजंस में जो वर्ड है उसका मीनिंग मल्टीपल मीनिंग निकल रहा है, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए सबसे बेस्ट साधन प्रियम्बल ही है। ये कोर्ट कई बार बोल चुका है। तो इतना मान्यता देने के बाद भी फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा नहीं बताया बेरुबरी यूनियन केस में, या उससे पहले गोलकनाथ केस में भी। वो सबसे इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है इंडियन हिस्ट्री में वो है केशवानंद भारती केस, जहाँ पे 13 जज का जो बेंच बैठा है, अभी तक भारत में सबसे बड़ा जो बेंच बैठा है सुप्रीम कोर्ट का, वो केशवानंद भारती केस में ही बैठा है, जहाँ पे 13 जज सुप्रीम कोर्ट के 13 जज बैठ के फैसला सुनाए थे कि यस प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए, उससे पहले क्या था कि प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है, एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रेमर जो हमारे संविधान के जो निर्माता है उनके माइंड को पढ़ने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, संविधान का प्रोविजन को समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मगर प्रियम्बल भारत का पार्ट नहीं है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को ही गोलकनाथ केस में, जो बेरुबरी यूनियन केस में जो फैसला सुना था उसको ही रिवर्स कर देता है केशवानंद भारती केस में। और केशवानंद भारती केस अपने आप में खास है क्योंकि वहीं से तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो तौर तरीका है, जो कॉन्सेप्ट वहीं से तैयार हुआ है। तो देखते हैं बच्चे लोग, बेरुबरी है यूनियन केस, देखो इसको आराम समझना पड़ेगा तुमको। रेड क्लिफ जानते हो, कई बार पढ़ चुके हैं उनके बारे में। जब भारत आज़ाद होने जा रहा है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, समझे, तो सबसे जो डिमार्केशन यानी कि इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री बनाने का जिम्मेदारी इनको दिया गया था, सर रेड क्लिफ को दिया गया था, जानते हो कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं है, हाँ आँख से लाइन खींच दिए, ये समझ रहे हो ना बात को। तो अब यहाँ पे समझो, ही डिस्ट्रीब्यूटेड वेरियस थानास बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि बहुत सारा इंडिया पाकिस्तान का इन्होंने बंटवारा किया लाइन से। अब यहाँ पे देखो कंट्रोवर्सी कहाँ पे हुआ कि जो बेरुबेरी जो जगह है कहाँ पे है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का, वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वो क्या किया कि उन्होंने इंडिया को दे दिया, इंडिया को दे तो दिया मगर रिटर्न टेक्स्ट में जो अवार्ड जो टेस्ट में लिखित रूप से नहीं दिया, ऐसे दे दिया उधर मगर लिखित रूप में ये प्रेजेंट नहीं था। जब ये पाकिस्तान को पता चलेगा, जब ये ईस्ट पाकिस्तान यानी कि अभी बांग्लादेश को पता चलेगा तो फिर रिक्लेम करेगा ना, क्योंकि वो ड्रॉबैक्स निकालेगा रेड क्लिफ अवार्ड का कि रेड क्लिफ अवार्ड में कहीं ये रिकॉग्निशन तो है ही नहीं, ये नाम तो है ही नहीं, तो यही फायदा उठाया। अब उसके बाद नेहरू जी का जो स्टेप था वो बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया उस समय सरकार, उस समय के लोगों ने। तो थाना जो बेरुबेरी है तुम्हारा जलपाईगुड़ी में, वो भारत को दिया था रेड क्लिफ ने, बट अनफॉर्चुनेटली जो रिटर्न टेक्स्ट है उसके अवार्ड का, वो फैसला का, उसमें लिखा नहीं गया था कि ये जो बेरुबेरी है इंडिया का हिस्सा है, दे तो दिया इंडिया को पर लिखा नहीं गया। अब इसे प्रॉब्लम क्या हो, अपॉर्चुनिटी मिल गया पाकिस्तान को यानी कि ईस्ट पाकिस्तान को, अभी का बांग्लादेश को, उसने स्टेक कर दिया बेरुबेरी के ऊपर कि नहीं भाई जब अवार्ड में दिया ही नहीं गया तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है, बात समझ रहे हो ना, पाकिस्तान का हिस्सा है। अब देखो उसके बाद पंडित नेहरू और फिरोज खान जो नून है, फिरोज खान नून उस समय के उधर के वहाँ के वो थे, ठीक है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो दोनों के बीच में समझौता हुआ। अब देखो उस समय वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट था उसने नाराजगी भी जताया इस अग्रीमेंट को लेकर। अब बात समझो बहुत बड़ा फैसला होने वाला है इस अग्रीमेंट में, क्या हुआ बच्चे लोग कि बेरुबेरी यूनियन जो है वो थाना है ना, जलपाईगुड़ी का एक थाना है, सब थाना है, डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है, समझ गया, डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है, उसको क्या किया, उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया इस अग्रीमेंट के हिसाब से, अब कुछ पाकिस्तान को दे दिया। अब सोचो कितना बैकलैश हुआ होगा उस समय, और भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, ये अग्रीमेंट हो रहा है दो स्टेट के बीच में तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो रहा है यानी कि सरकार के फैसले से हो रहा है, तो ये मामला जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में, क्या सरकार को इतना अधिकार है, क्या सरकार एग्जीक्यूटिव को इतना अधिकार है कि अपना जमीन वो दूसरे कंट्री को दे सकता है, ऐसा हो सकता है क्या, तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इन द अग्रीमेंट दैट वाज साइन फॉर द टेरिटरी ऑफ बेरुबेरी वाज डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि अभी इंडिया में था और वो पाकिस्तान में चला गया, वो जस्ट बिकॉज कि उस अवार्ड में रेड क्लिफ के अवार्ड में लिखा नहीं गया था इसलिए। हाँ उस समय देखो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बहुत नाराजगी जताया और बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था नेहरू गवर्नमेंट का उस समय,
और जाहिर सी बात है यदि अभी भी होता है, अभी भी इस तरह घटना हो जाए तो बहुत क्रिटिसिज्म होगा ना कि हमारा जमीन कैसे पाकिस्तान में चला गया। तो ये भी एक तरह से ब्लॉट है नेहरू जी के ऊपर कह सकते हो। अब देखो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर ले गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या सुना, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने रिफर कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पार्लियामेंट को पावर है स्टेट टेरिटरी को छोटा बनाने, स्टेट का अपना स्टेट, बहुत सारा स्टेट होगा ना, उसको छोटा बनाने का, उसको रिड्रॉ करने का अधिकार आर्टिकल 3 में दिया गया। बट आर्टिकल 3 में ये पावर नहीं दिया गया कि इंडियन टेरिटरीज को सीसीड करने का, सीसीड नहीं हो सकता है, इंडियन टेरिटरी दूसरे को दे नहीं सकते, ये आर्टिकल 3 में नहीं लिखा गया कहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं होने जा रहा है, इसके लिए संविधान में संशोधन करो, तभी जाके तुम ये तुम्हारा जो एग्जीक्यूटिव जो अग्रीमेंट हुआ तभी पूरा हो सकेगा। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, तब जाके कह सकते हो कि नून और नेहरू का जो अग्रीमेंट हुआ वो लीगल हो पाया, समझ गए। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा, क्योंकि देखो एक स्टेट का बाउंड्री तुम रिड्रॉ कर सकते हो, एक स्टेट यानी कि बिहार जो बड़ा राज्य था पहले उसको दो राज्य में डिवाइड कर दिया गया ना, तो आपने टेरिटरी को डिमिनिश किया, छोटा किया, वो अधिकार है आर्टिकल 3, क्योंकि आपने किसी दूसरे कंट्री को तो नहीं दिया ना, अपने राज्य को छोटा किया बड़ा किया वो तो कर सकते हो आप, मगर अपना लैंड दूसरे कंट्री को दे दिए ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं होने जा रहा है, और नहीं आर्टिकल 3 से होने जा रहा है। इसके लिए आपको आर्टिकल 368 का यूज़ करना पड़ेगा। आर्टिकल 368 जानते हो जटिल प्रक्रिया है संविधान को संशोधन करने का। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने वही रूल किया कि पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करना पड़ेगा संविधान का, संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, आर्टिकल 368 का यूज़ करना पड़ेगा, तभी नेहरू नून अग्रीमेंट इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो फलस्वरूप देखो 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 1960 में, तब जाके ये अग्रीमेंट पूरा हुआ। तो जब ये अग्रीमेंट पूरा होगा तो फिर प्रीएम्बल का भी बात उठेगा, क्योंकि प्रीएम्बल में इंटीग्रिटी का बात किया गया है, प्रीएम्बल में पॉपुलर सबिलिटी का बात किया गया, बहुत तरह का बात होगा। देखो कभी भी सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट देती है तो उसका असर बहुत अलग अलग जगह पड़ता है, तो इसका डायरेक्ट असर तुम्हारा प्रीएम्बल पर भी पड़ेगा। यहाँ देखोगे बच्चे लोग तो ना, आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने देखो बाद में 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात रखा कि यदि टेरिटोरी डिस्प्यूट है दो कंट्री के बीच में तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सॉल्व हो सकता है, जिसमें नेशनल टेरिटोरी का कुछ भी लैंड उधर नहीं जाएगा, यानी कि इंडिया का कोई भी लैंड उस तरफ नहीं जाएगा, मगर टेरिटोरियल एडजस्टमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पॉसिबल है। तो यानी कि समझ रहे हो ना, पहले के स्टैंड कंपेयर में थोड़ा दूसरा स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि बाउंड्री डिस्प्यूट है दो कंट्री के बीच में, इंडिया कोई नेबरिंग कंट्री के बीच में, तो उस समय जो ही नहीं कि हर समय ही आपको कॉन्सुलर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बट प्रोवाइडेड कॉन्सुलर अमेंडमेंट तभी नहीं करोगे, हाँ तभी नहीं करोगे जब तक उसमें सीसीडिंग ऑफ नेशनल टेरिटरी का बात ना हो, यानी कि यदि मान लो कि हमारा जमीन उधर चला जाता है तब तो आपको कॉन्सुलर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, मगर आप हमारा जमीन उस तरफ नहीं जाता है दूसरे कंट्री में तब आपको करने की जरूरत नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकता है। तो देखो मोदी जी जब शासन में आए 2015 में, 2014 में आए ना, 2015 में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में इनक्लेव्स का हुआ था, एक्सचेंज हुआ था, तो बहुत सारा लैंड हमारा उधर चला गया और बहुत सारा बांग्लादेश का लैंड इधर आया, तो हमने लगभग 100+ इनक्लेव्स, इनक्लेव्स मतलब छोटे छोटे जो लैंड है वो हमने बांग्लादेश को दे दिया, अब बहुत सारा बांग्लादेश का जो छोटे छोटे जो लैंड्स था वो इंडिया को मिला था, यही इनक्लेव्स अग्रीमेंट हुआ था। अब उसके लिए देखो इसमें तो लैंड जा रहा है, इसमें हमारा लैंड जा रहा है ना, तो इसके लिए तो संविधान में संशोधन होगा। तो संविधान में जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इसी चीज़ के लिए हुआ था, और उस समय मोदी जी थे और उधर शेख हसीना थे, वही शेख हसीना जो कि अभी बर्खास्त हो गई है बांग्लादेश से, आया समझ में। 1969 का ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट का बात हो वो एग्जीक्यूटिव अपने ऑर्डर से सुलझा सकता है और ये पॉसिबल है, मगर उसमें कोई नेशनल टेरिटोरी सीसीड नहीं होना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। देखो मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप ज़मीन किसी को नहीं दे सकते हो। यदि आप किसी को ज़मीन दे रहे हो तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और किसी को देने का मतलब किसी कंट्री को देने का मतलब हुआ। यहाँ देखो तो कंक्लूजन क्या निकला बेरुबेरी यूनियन केस का, अच्छा बेरुबेरी यूनियन केस का जो भी प्रीएम्बल को लेकर जजमेंट आएगा, तो इससे पहले गोलकनाथ केस भी हुआ था, तो गोलकनाथ केस में जो स्टैंड था प्रीएम्बल को लेकर, वो स्टैंड यहाँ पे भी मेंटेन रहेगा। देखो तो सुप्रीम कोर्ट कहता है यहाँ पे
कि प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फेवर क्या सोचते थे, माइंड को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि बट इट कैनॉट प्रोहिबिट और कंट्रोल इन एनी द वे टू अमेरिका, यानी कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आर्टिकल 368 का यूज़, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आर्टिकल 368 का यूज़ नहीं कर सकता है पार्लियामेंट, आर्टिकल 368 का यूज़ कर सकता है, बस वो एक फ्रेमर्स का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उसके फ्रेमर्स को उसके माइंड को समझने के लिए बनाया गया है। तो देख रहे हो स्टैंड थोड़ा डिफरेंट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे, ये बस की है माइंड को समझने के लिए कि संविधान में क्या है। इसलिए देखो प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, देखो कितना बड़ा जजमेंट है उस समय। हाँ, इंस्पायर्ड सॉवरेन डिक्लेरेशन, जबकि इसमें कहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी, पॉपुलर सॉवरेनिटी, उसके बावजूद भी प्रीएम्बल क्या है, संविधान का अटूट अंग नहीं है। तो प्रीएम्बल कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है पार्लियामेंट के लिए, समझ गए ना, और ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन है पार्लियामेंट के ऊपर कि वो लॉ नहीं बना सके। तो प्रीएम्बल ऐसे ही दिया गया है, वो काउंसिल मेकर का माइंड पढ़ने के लिए दिया गया, काउंसिल मेकर क्या सोचते थे उस समय ये दिया गया। अब देखो फिर यूटर्न होगा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ये जजमेंट अपने आप में खास जजमेंट है कि नहीं है बताओ। तो इसमें स्टैंड देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट का कैसा स्टैंड है कि प्रीएम्बल हिस्सा ही नहीं है संविधान का, और इनके संविधान का हिस्सा, इसलिए पार्लियामेंट आर्टिकल 360 का एड यूज़ करके अपना कर सकता है वो। अब यहाँ पर तो बेरुबेरी केस देखो, इसमें और भी समझ लो कि यही ना हुआ जी कि सुप्रीम कोर्ट इन बेरुबेरी यूनियन केस सेड इंस्पायर्ड द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में भले ही लिखा गया है कि इंडिया सॉवरेन पावर है, सॉवरेनिटी पावर, पॉपुलर सॉवरेनिटी है, यहाँ पे पीपल सबसे इंपॉर्टेंट है, मगर सॉवरेनिटी डज नॉट ऑथराइज इट सीसीड, यानी कि केवल खाली बोल देने से नहीं चलेगा, समझे ना। पार्लियामेंट पास पूरा पावर है कि वो यूज़ कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, कोई भी अपना जो लैंड है वो सीसीड करवा सकता है, किसी को दे सकता है। तो पार्लियामेंट सर्वोपरि है, आर्टिकल 360 का यूज़ कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट बाय दिस डिक्लेरेशन मेड इट क्लियर दैट प्रीएम्बल इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनी सब्सटैंडिव पावर, प्रीएम्बल कोई सोर्स ऑफ वो नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, समझे ना। खाली उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रीएम्बल सोर्स ऑफ अथॉरिटी हो। तो टू सीसीड एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज एन एक्सट्रीम पावर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भारत का जमीन कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरे कंट्री में चला जाएगा, इसलिए इसके लिए पार्लियामेंट ही इम्पावर्ड कमिटी है, इम्पावर्ड लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो कि आर्टिकल 368 का यूज करके दे सकती है। अब देखो स्टैंड, देखो केस वालंद भारती केस, स्टैंड चेंज हो गया, 13 जज का ये बेंच बना हुआ था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर जो जजमेंट है, चाहे वो गोलकनाथ केस का जजमेंट हो, चाहे तुम्हारा ये बेरुबेरी यूनियन केस का जजमेंट हो, उसको रिवर्स कर दिया और कह दिया कि प्रीएम्बल क्या है, संविधान का हिस्सा है, प्रीएम्बल एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस है एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड, संविधान को पढ़ा जाए समझा जाए तो प्रीएम्बल के विजन से ही समझा जाएगा, एंड इंटरप्रेट इन द लाइट ऑफ द ग्राउंड ग्रैंड एंड नोवल विजन एक्सप्रेस इन द प्रीएम्बल, देख रहे हो ना। और LIC में ये बात को फिर से रिकन्फर्म किया गया कि यस प्रीएम्बल क्या है, तुम्हारा संविधान का हिस्सा है, तो वो एंट्री उसका अटूट अंग है, संविधान अलग नहीं है, प्रीएम्बल अलग नहीं है, संविधान का ही हिस्सा क्या है, प्रीएम्बल है। ये LIC केस में भी इस चीज़ को इस्टैब्लिश कर दिया गया। तो यहाँ से दो चीज़ हमें समझना होगा, मगर जो भी हो संविधान, प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा होने के बावजूद भी इसका मतलब ये नहीं कि प्रीएम्बल क्या है तुम्हारा, समझ रहे हो, प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, दैट डजंट मीन कि प्रीएम्बल क्या है, सोर्स ऑफ पावर नहीं है, वो सोर्स ऑफ पावर वो नहीं है, वो पार्लियामेंट है, वो द पीपल ऑफ इंडिया, वो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है, और ना ही पार्लियामेंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, समझे। तो वही लिखा गया कि हाउएवर टू थिंग्स शुड बी नोटेड, प्रीएम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोविजन अपन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ना ही सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर के लिए, पार्लियामेंट के लिए, ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन है लेजिस्लेचर के ऊपर। एट द सेम टाइम ये नॉन जस्टिसिएबल भी है और नॉन इन्फोर्सेबल भी है, किसी कोर्ट में ला, बट एट द सेम टाइम इंटरप्रिटेशन करने में ये उतना ही हेल्पफुल है, समझ गया ना। हाँ, तो देखो ये जो बड़ा केस है केशवानंद भारती केस में, अब देखो इसमें मुद्दा क्या है, द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रीएम्बल कैन बी, देखो क्या प्रीएम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है, वो भी आर्टिकल 368 यूज़ करके, सवाल ये है ना, क्या आर्टिकल 368 यूज़ करके पार्लियामेंट प्रीएम्बल को भी चेंज कर सकती है क्या। तो अब केशवानंद भारती केस का जजमेंट आएगा, ये बड़ा जजमेंट अभी तक का इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन जुडिशरी सिस्टम का सबसे ऐतिहासिक जजमेंट है ये केशवानंद भारती केस। जब तक ये देश रहेगा, मेरा ऐसा मानना है, जब तक ये देश रहेगा तब तक ये केशवानंद भारती केस का जजमेंट रहेगा। कहो क्यों, क्योंकि ये पहला जजमेंट है, हालांकि 1965 में ही एक केस में ना एक जज ने
जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला चीज़ लाया था, मगर उस बेसिक स्ट्रक्चर वाला चीज़ यहाँ पे लागू किया है केशवानंद भारती केस में। 65 में एक आइडिया डेवलप्ड हो गया था बेसिक स्ट्रक्चर का। तो अब देखो क्या होगा कि केशवानंद भारती केस में ये भी बात स्पष्ट हो जाए कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल क्या है? संविधान का अटूट अंग है, हिस्सा है। एट द सेम टाइम तुम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो, मगर प्रोवाइडेड बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट के साथ इस बार केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट आया है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है तुमको इंटरनेट पर कहीं पर भी नहीं मिला, क्योंकि ये इवॉल्विंग चीज़ है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि भारत चाह के भी अब प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं बन सकता, वो पार्लियामेंट भी नहीं बना सकता है। तो आर्टिकल 368 के ऊपर भी लगाम लग गया है केशवानंद भारती केस की वजह से। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती केस से बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर समझो, जो सवाल है कि क्या प्रियम्बल भी अमेंड हो सकता है आर्टिकल 361 के द्वारा, तो ये मुद्दा उठा पहली बार केशवानंद भारती केस में 1973 में। एंड इट वॉज आर्ग्ड एट प्रियम्बल, ये उस समय मुद्दा रखा गया कि प्रियम्बल अमेंड नहीं हो सकता जब प्रियम्बल संविधान का हिस्सा ही नहीं है। अब देखो बात समझो, जब प्रियम्बल हिस्सा ही नहीं है तो फिर प्रियम्बल कैसे अमेंड हो सकता है? आज जो कि प्रियम्बल जानते हो कि अमेंड होगा 1976 में। अब यहाँ पर समझो, पिटिशनर ने कंटेंड किया कि जो अमेंडिंग पावर है आर्टिकल 368 का कैनॉट बी यूज टू डिस्ट्रॉय और डैमेज द। देखो अब पिटिशनर देखो कितना समझदार रहा है। प्रियम्बल अब बोला कि आर्टिकल 368 का मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट कुछ भी कर दे, जो बेसिक जो फंडामेंटल फीचर्स है संविधान का वो तो बर्बाद नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट इतना भी सर्वोपरि नहीं होना चाहिए कि पूरा बर्बाद ही कर दे। तो ऑब्जर्वेशन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का। देखो तो सुप्रीम कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से रख दिया कि क्या है प्रियम्बल, हिस्सा है। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रियम्बल को तुम अमेंड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इंदिरा गांधी ने अमेंड कर दिया ना प्रियम्बल को, बट अमेंडमेंट करते वक्त तुमको बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान देना होगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर के साथ नया चीज़ सुप्रीम कोर्ट ले आया, क्या क्या कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को देखना है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगा, समझे ना, फंडामेंटल राइट्स होगा, और भी इस तरह ये इवॉल्विंग है, ये और भी एडिशन होते चले जाएंगे आने वाले समय में। तो ये बहुत बड़ा जजमेंट है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि जो भी हमने फैसला सुनाया था 1960 में बेरोबेरी, वो हमसे गलती हो गया। और जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन रिवर्स करने का पावर है, वो भी संविधान ही देता है पावर। तो प्रियम्बल कैन बी, प्रियम्बल अमेंड हो सकता है जब संविधान का वो हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है वो भी अमेंड हो सकता है। बट ध्यान रहे बेसिक जो फीचर्स है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो वायलेट ना हो। यानी कि दूसरे शब्द में कहा जाए तो कोर्ट हेल्ड दैट द बेसिक एलिमेंट और द फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज कंटेन्ड इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी अल्टर बाय अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। यानी जो बेसिक जो फंडामेंटल जो वैल्यूज दिया गया है जो संविधान का, जो उसको नहीं हटा सकते। जैसे मान लो कि अभी सोवन है, क्या है शुरुआत का क्या था, सोवन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। अब डेमोक्रेटिक वर्ड नहीं हटा सकते वहाँ से, हाँ तुम ऐड कर सकते हो कुछ नया चीज़ उसमें ऐड कर सकते हो, यदि संविधान में प्रेजेंट है वो चीज़ ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रहेगा, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, ऐसे नहीं कि मनमाने। इसका मतलब रिपब्लिक वर्ड नहीं हटा सकते वहाँ से आप प्रियम्बल से, नहीं आप डेमोक्रेटिक वर्ड उठा सकते हो, नहीं आप इंटीग्रिटी उठा सकते हो, अब ना ही आप यूनिटी उठा सकते हो, वो नहीं उठा सकते हो, क्योंकि वो सब तुम्हारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ दिया गया है। तो प्रियम्बल देखो अभी तक एक ही बार अमेंड हुआ है, वो भी 1976 में हुआ है। हाँ, और प्रियम्बल में यदि वर्ड डाला भी गया, सोचो अब सोचने वाली बात है, प्रियम्बल में कितने वर्ड डालेंगे? तीन वर्ड डालेंगे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तीनों वर्ड तो कहीं ना कहीं संविधान के प्रोविजन से ही मैच करता है। यदि मान लो कि यहाँ पर डिक्टेटर वर्ड डाल देते, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, यदि यहाँ पर डिक्टेटर वर्ड डाल दे या फिर कम्युनिस्ट वर्ड डाल देता, तो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड तो नहीं है, संविधान में ये प्रोविजन नहीं, तो फिर नल एंड वॉइड हो जाता वो तुम्हारा अमेंडमेंट। बात समझे? ऐसा कुछ, डेट्स इट, कंप्लीट कर दिया। और दो क्लास में पार्ट वन और पार्ट टू में पूरा प्रियम्बल कंप्लीट हो चुका है। और मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा जो फ्रेटर्निटी संबंधी जो इस बार पढ़ाए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये। और अभी का जो जजमेंट आया है सेक्शन 6 से वर्सेस आर्टिकल 29(1) का, बच्चे लोग जाके देख लोगे, इससे और क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाएगा। डेट्स इट, कंप्लीटेड।